राजस्थान में मंदिर तोड़े जाने पर बड़ी सियासी तकरार। अलवर में आक्रोश रैली, सड़कों पर उतरे बीजेपी और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता। राजगढ़ में मंदिर, दुकान और मकान तोड़ने और नगरपालिका सभापति को निलंबन का विरोध। शहीद स्मारक पर पहुंचे सांसद, पालकनाथ और साधु संत, हजारों की भीड़ साथ। आक्रोश रैली के मद्देनजर अलवर में पुलिस प्रशासन अलर्ट, भारी सुरक्षा इंतजाम। दिल्ली में अतिक्रमण पर बुलडोजर की तैयारी। साउथ दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुरियान कमिश्नर आला अधिकारियों के साथ दक्षिण दिल्ली के जैतपुर, सरिता विहार, मदनपुर खादर इलाके का आज करेंगे दौरा। मेयर मुकेश सुरियान ने किया दावा, शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का है कब्जा। मेयर मुकेश सुरियान ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पनाह देने का लगाया आरोप। मेयर मुकेश सुरियान ने अतिक्रमण पर कार्रवाई के सर्वे रिपोर्ट का दिया हवाला, कहा आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके विधायक रोहिंग्या नाइट शेल्टर्स में बसा रहे हैं, पहुंचाया जा रहा है भोजन और पानी। चेन्नई में तंजावुर महोत्सव के दौरान भीषण हादसा, 10 लोगों की गई जान। महोत्सव में 10 मौत से पसरा मातम, मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल। महोत्सव के दौरान रथ खींचते वक्त हुआ हादसा, रथ में दौड़ा करंट, करीब 50 लोगों को लगा झटका। हादसे में कई लोग घायल हुए, अस्पताल में हो रहा है इलाज। देश में पिछले 24 घंटे में 2900 से ज्यादा कोरोना के नए मामले। आज दोपहर 12 बजे देशभर के मुख्यमंत्रियों से ताजा हालात पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली में एक दिन में 1200 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए, एक्टिव केसेस की संख्या 4500 के पार। अब बच्चों को मिलेगी कोरोना से सुरक्षा, 6 से 12 साल के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। अब 12 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चों के लिए एक और वैक्सीन को मंजूरी, जायरस कैडिला की जायकोव डी भी तैयार करेगी सुरक्षा कवच। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर जताई खुशी, वैज्ञानिकों को दिया धन्यवाद। तुर्की में हादसे का शिकार हुई एसडीएम की गाड़ी, अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी, ड्राइवर की मौत। शिमला में परिवहन निगम की वर्कशॉप में लगी भीषण आग, कई बसें चपेट में आई, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई हादसे। दिल्ली के लाजपत नगर के पास अमर कॉलोनी में रेस्टोरेंट में आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। वाडा एक्साइज डिपार्टमेंट का गार्डन गलेरिया मॉल के सभी बार और रेस्टोरेंट में निरीक्षण, अधिकारियों ने की जांच पड़ताल। बारामती में 300 की परंपरा से जुड़ी बगाड़ यात्रा का समापन, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।